बताने वाले सतीश कौशिक आज हमेशा के लिए दुनिया से विदा हो गए हैं। 9 मार्च की सुबह इतनी काली होगी किसी ने भी नहीं सोचा था। इस दिन को हिंदी सिनेमा में ब्लैक डे के नाम से जाना जाएगा। इस दिन बॉलीवुड ने अपने दिग्गज कलाकार सतीश कौशिक को हमेशा के लिए खो दिया। सतीश कौशिक को 66 साल की उम्र में निधन हो गया। अभिनेता की मौत की खबर आते ही फिल्म दुनिया में सन्नाटा छा गया। हर कोई उन्हें नम आंखों से याद कर रहा है। 7 मार्च को उन्होंने मुंबई के जुहू में शबाना आजमी के घर होली पार्टी अटेंड की थी। यहाँ सतीश कौशिक ने अपने करीबियों संग धमाकेदार अंदाज में होली का जश्न मनाया था। उन्होंने होली सेलिब्रेशन की तस्वीरें एक दिन पहले ही अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की थी। सतीश कौशिक के होली सेलिब्रेशन में महिमा चौधरी, जावेद अख्तर, ऋचा चड्ढा और अली फजल दिखाई दिए थे। उन्होंने दोपहर तक पार्टी में खूब एंजॉय किया और फिर उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। 7 तारीख को मुंबई में होली का जश्न मनाने के बाद बीते 8 मार्च को उन्होंने दिल्ली में अपने परिवार संग होली का धमाकेदार अंदाज में जश्न मनाया। लेकिन होली खेलने के बाद उन्हें बेचैनी महसूस हो रही थी, जिसके बाद उन्हें फोर्टिक हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन उनका निधन हो गया। होली की तस्वीरों में सतीश कौशिक काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे की मुस्कान देखकर लग नहीं रहा है कि उन्हें कोई सेहत संबंधित परेशानी थी। होली की तस्वीरों में वो बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहे हैं। हंसते मुस्कुराते सतीश कौशिक को होली खेलता देखकर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। अचानक उनका यूं चले जाना हर किसी के लिए बेहद शॉकिंग है। सतीश कौशिक के निधन की जानकारी आज सुबह उनके करीबी दोस्त और एक्टर अनुपम खेर ने दी थी। अनुपम खेर ने ट्वीट करते हुए बताया था कि सतीश कौशिक अब नहीं रहे हैं। अनुपम खेर ने अपने ट्वीट में लिखा कि जानता हूं कि मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है, पर ये बात मैं जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त सतीश कौशिक के बारे में लिखूंगा। ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। 45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्ण विराम लग जाना। ओम शांति। अनुपम खेर का ट्वीट सामने आते ही हर तरफ सन्नाटा छा गया। लोगों की आंखें नम है और दिल दुखी है। सतीश कौशिक एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपनी एक्टिंग और कॉमेडी से लोगों के दिल में राज किया था। उनकी डायलॉग डिलीवरी और कॉमिक टाइमिंग के फैंस दीवाने थे। एक्टिंग के साथ ही साथ सतीश कौशिक ने डायरेक्शन में भी काम किया। सतीश ने अपने करियर में कई फिल्में की, लेकिन मिस्टर इंडिया में कैलेंडर के किरदार ने उन्हें खास पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने 1997 में दीवाना मस्ताना में पप्पू पेजर का किरदार निभाया था। ये किरदार भी लोगों के दिल में बस गया था। फिल्म जाने भी दो यारो, कागज, स्वर्ग, जमाई राजा, साजन चले ससुराल, मिस्टर और मिसेज खिलाड़ी समेत कई फिल्मों में अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीता था। सतीश कौशिक का जाना हर किसी के लिए दुखद है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया के तमाम और छोटी और बड़ी खबरों की जानकारी के लिए बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।